शरण्य महेश्वर दोस्तों मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं जीवनी शक्ति और ऊर्जा के देवता ग्रहों के सेनापति मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। देखिए 1 जून 2024 की दोपहर 2:42 पर मंगल देव अपने मित्र की राशि मीन राशि को छोड़कर अपनी स्वराशि मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 12 जुलाई 2024 तक मंगल मेष राशि में ही संचरण करने वाले हैं। इन 42 दिनों की समयावधि में मंगल रूचक नाम का राजयोग भी बनाने वाले हैं, तो इसका सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव पड़ने वाला है। इसका देश काल वातावरण के ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है। इसका मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ेगा यह जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो मंगल के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो मिथुन राशि वाले जातकों, ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ग्रहों का सेनापति और युद्ध का देवता माना जाता है। मंगल को साहस और संकल्प शक्ति का, छोटे भाई बहनों का, ताकत का, अचल संपत्ति का, सौतेली मां का, रोग और खून का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर मंगल का ही प्रभाव होता है। मंगल को मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी माना गया है। मकर राशि इनकी उच्च राशि मानी जाती है, वहीं जब ये कर्क राशि में जाते हैं ये नीचस्थ अवस्था में हो जाते हैं। जन्म कुंडली पर मंगल अगर प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हो तो जीवन में कई प्रकार की सफलता भी देखने के लिए मिलती है। बलवान मंगल के प्रभाव से जातक रूपवान, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और ऐसा व्यक्ति काफी ताकतवर होता है। कुंडली पर मंगल अगर प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हो तो खेल, सेना और शारीरिक प्रतिस्पर्धा से जुड़े हुए क्षेत्रों में सफलता मिलती है। यदि कुंडली पर मंगल तीसरे भाव, छठवें भाव, दसम भाव और एकादश भाव पर मौजूद हो तो इनके फल काफी शुभ और श्रेष्ठ होते हैं। यही मंगल जब जन्म कुंडली में कमजोर अवस्था में विराजित होते हैं तो आंखों में समस्या, रोगों में वृद्धि करवाते हैं। रक्त से जुड़ी हुई समस्याएं, अल्सर, ट्यूमर, फोड़े फुंसी की समस्या और मंगल के कमजोर होने पर बीपी की समस्या देखने के लिए मिलती है। मंगल का पीड़ित प्रभाव भाई बहनों के साथ लड़ाई झगड़े करवाता है, परिवार में कलह देता है और कमजोर मंगल के प्रभाव से शरीर में चोट चपेट भी लगता रहता है। इसके लिए मंगल जनित उपाय जरूर करना चाहिए और मंगल को ठीक भी किया जा सकता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। यह जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, आप इसे इसी आधार पर देखें। मिथुन राशि वाले जातकों, मंगल देव आपके लाभ भाव और आपके सिक्स हाउस यानी आपके रोग भाव के स्वामी माने जाते हैं। 1 जून 2024 को मंगल आपके लाभ भाव में प्रवेश करने वाले हैं। कुंडली के 11वें भाव पर मंगल को बहुत ही अच्छा प्रभाव देने के लिए जाना जाता है। तो मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में लाभ भाव पर प्रभावी मंगल कई प्रकार की सफलता आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहले मंगल के इस परिवर्तन से मिथुन राशि वाले जातकों का पुरुषार्थ और मिथुन राशि वाले जातकों का मनोबल बढ़ने वाला है। पूर्व समयावधि में यदि आपके मन में हताशा या किसी भी कार्य को कर रहे हैं उसमें कुछ समय के पश्चात आपके अंदर निराशा की स्थितियां निर्मित हो रही है तो मंगल का यह प्रभाव आपके जीवन में आपके मनोबल को बढ़ाने का काम करने वाला है।
मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके वाणी भाव पर जाने वाली है, सप्तम दृष्टि आपके संतान भाव पर जाने वाली है और अष्टम दृष्टि आपके रोग भाव पर जाने वाली है। तो यहां पर मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में सफलता की संभावना भी आपको देखने के लिए मिलने वाली है। एजुकेशन सेक्टर में जुड़े हुए मिथुन राशि वाले जातक वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रहने वाले हैं। कर्म क्षेत्र के मामले में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए चल रहे उतार चढ़ावों से आपको मुक्ति मिलने वाली है। मिथुन राशि वाले जातकों, यदि आप करियर के मामले में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव का सामना कर रहे हैं, लाभ भाव पर मौजूद मंगल का प्रभाव आपके छठवें भाव को एक्टिवेट करने वाला है। नौकरी पेशा जातकों के जीवन में नवीन अवसर इस परिवर्तन से आपको मिलने वाला है। मिथुन राशि के ऐसे जातक जो वर्तमान में मंगल जनित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, वर्तमान में मिथुन राशि के ऐसे जातक जो इस समयावधि में सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने और बेचने का काम करते हैं, या वर्तमान समय में मिथुन राशि वाले जातक प्रॉपर्टी डीलिंग का यदि आप काम करते हैं, तो यह समय आपके जीवन में शुभ कार्य परिणाम देने वाला है। और यहां पर मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में प्रेम संबंध के मामले में और वैवाहिक जीवन के मामले में संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। मंगल की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव यानी प्रेम संबंध वाले भाव पर जाने वाली है, तो प्रेम जीवन में जो जातक गहरी फ्रेंडशिप में जुड़कर चल रहे हैं, उनको इस समयावधि में संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। और मंगल का ये जो परिवर्तन हो रहा है, इसमें मिथुन राशि वाले जातकों के रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि होने वाली है। यदि आपको छोटी मोटी समस्याएं शरीर से जुड़ी हुई लगी हुई है, जैसे यदि आपको आंखों में एलर्जिकल समस्या, नेत्रों में समस्या बनी हुई है, या वर्तमान में मिथुन राशि वाले जातकों को स्किन प्रॉब्लम, बीपी की समस्या, रक्त से जुड़ी हुई समस्या चली आ रही है, ये सभी समस्याओं से मंगल आपको इन 42 दिनों में निजात देने वाले हैं। तो कुल मिलाकर मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में मंगल सफलतादायक और श्रेष्ठदायक परिणाम देने वाले हैं। मिथुन राशि वाले जातकों को धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, तो मिथुन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में मंगल का प्रभाव आपके लगन भाव को प्रभावित करने वाला है। क्षणिक गुस्से से आपको बचने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। भावना के आवेश में आकर किसी भी व्यक्ति को कड़वा वचन बोलने से मिथुन राशि वाले जातकों को बचना चाहिए। रोजाना यदि आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो आपके जीवन में शुभता मिलने वाली है। मंगल जनित दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में लाल चोला चढ़ाना शुभ रहने वाला है। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में शुभता और शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए यदि आप बंदरों को गुड़ और चने डोनेट करते हैं, डालते हैं, तो भी स्थिति आपके जीवन में शुभ बनने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।